हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वीके एजुकेशन क्लासेस। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा, अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बेटा अब तक अगर रिकॉल करें तो उसमें हमने बहुत कुछ आपको बता रखा, जो हमारा अगर रिकॉल किया जाए, जो भी आपको चार पांच लेक्चर्स हैं, आज छठा लेक्चर्स है हमारा, उस पांच लेक्चर्स में हमने आपको ह्यूमन बीइंग्स के आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है। हमने बताया कि आपको रिप्रोडक्टिव फेज में आपको क्या कंडीशन घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें हमने आपको 6 से 7 आपको इवेंट्स आपको जो घटित होते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको बता रखा, ठीक है। जैसे हमने उस इवेंट्स के बारे में क्या बताया था बेटा, पहला हमने बताया था गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बताया था आपको इंसेमिनेशन, फिर उसके बताया था आपके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन, फिर उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन के बाद आपको क्या हुआ था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन, फिर उसके बाद हमने बताया था पास्टुरेशन। तो ये सारे हमने उस इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद देन हमने स्टडी की किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पूरा डिटेल में जितने भी चीजें थी वो हमने बेटा हद तक कवर कर लिया। उसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें आपको बची हुई हैं, जो आपको आज तो बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस टॉक पे बात करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करूंगा, आपको पहले से बता देना चाहता हूँ बेटा, ये आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड होगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें हद तक एनसीईआरटी के बियॉन्ड किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया है बेटा क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ चीजें आपको क्या होती है, बाउंस कर जाती है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़े भी रहते हैं तब भी आपको कोई कुछ पूछ लिया जाता है तो आप कहते हो कि ये चीजें आपको हमको जानकारी नहीं है, इसलिए उससे थोड़ा सा हटकर हमको एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जहाँ पे हमको एडवांटेज मिलना चाहिए था वहां पे हमने एनसीईआरटी से हटके आपको क्या हुआ लेक्चर्स में बता रखे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से अध्ययन करना, क्योंकि आपको 100% एनसीईआरटी तो कवर ही कर रहा हूं मैं फॉर देन, और उसके अलावा फॉर नीट एंड जिपमर के लिए भी आपको क्या होता है, सारे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं बेटा बता देते हैं, जो मेरे हिसाब से आपको आता है, जो हमने स्टडी कर रखी है, जो आपको उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छी तरह से रिमेम्बर करते रहिए और एक भी क्वेश्चन आपको बाउंस ना जाने पाए कि ये चीजें हमको नहीं आती, ठीक है। तो यदि आप बायोलॉजी पढ़ते हो, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हर चीजें वो एनसीईआरटी का बता दूंगा और एनसीईआरटी के अलग से भी बताऊंगा, ठीक है। जो भी डाउट आपको लगता है वो मुझसे कंसल्ट करिए, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉल करें सारे लेक्चर्स पे, को रिलेट करें। तो हमने क्या क्या देखा, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमने देखा कि आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखा, हमने आपको डिस्कस किया किसके बारे में, आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया आपको कि क्या कहते हैं एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं और एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, उनके बारे में क्या किए डिस्कस किए। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बताया, यूरेथ्रा के हमने डिस्कस किया हुआ था, हमने एसेसरी डक्ट के बारे में बड़ा डिटेल में हमने अध्ययन किया हुआ। उसमें हमने क्या किया, अगर देखा जाए बेटा कि हमने उसमें क्या आपको किया हुआ है कि हमने पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूस किया जाए, तो हमने पहले शुरुआत में क्या देखा कि आपको स्क्रोटम के बारे में डिस्कस किया, पूरा डिटेल हमने स्क्रोटम के बताया कि स्क्रोटम में कितनी लेयर्स होती है, डॉटर्स मसल्स क्या होती है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन है, आपको लिख भेजना है बेटा डॉटर्स मसल्स जो होती है, आपको टिप्स तो दे रहा हूँ, वो स्क्रोटम में पाई जाती है, आपको बताना कि वो डॉटर्स मसल्स जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है स्क्रोटम, वो मैंने लेक्चर्स के दौरान डिटेल में बताया है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं छुटा हुआ, ठीक है। हमने उस सारे मसल्स के बारे में आपको डिस्कस कर रखी है, फिर उसके बाद हमने टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया, टेस्टिस में हमने देखा क्या पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोबिल पाए जाते हैं, उसमें सेमिनल वेसिकल होती है, सॉरी सेमिनल वेसिकल कह रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आपको क्या पाया जाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है,
तो वो हम चैप्टर में देखेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। जनरली हमने मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम था, जो ऑर्गन्स थे, उसके बिल्कुल आपको डिटेल में हमको जानकारी चाहिए थी। जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ था वो सारी चीज़ें हमने आपको कवर की, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमने जाकर आपको क्या किया, सारी चीज़ें आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में अगर देखा जाए तो हमने क्या किया बेटा, आपको एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, बड़ी इंपॉर्टेंट था। एनसीईआरटी में आपको ब्रीफ में दिया था, हमने उसको डिटेल में देख लिया। ठीक है, जो भी जानकारी रहनी चाहिए, तो हमने उसमें एसेसरी ग्लैंड्स को रिकॉल करें तो कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती थी, किसका सिक्रीशन कितने परसेंट होता था, कैसे बनाते थे, तो वो हमने देखा। आपको क्या हुआ कि हमने पहले देखा था किसको, सेमेंटल वेस्कल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने सेमेंटल वेस्कल्स को देखा, सेमेंटल वेस्कल्स का सिक्रीशन होता है, उसका सिक्रीशन कैसा होता था, वो अल्कलाइन मीडियम का होता था, उसका पीएच के बारे में डिस्कस किया, वो कितने परसेंट आप सेमेंटल प्लाज्मा का बनाता है या सीमेंस का कितना परसेंट बनाता है। फिर उसके बाद हमने प्रोस्टेट का देखा था, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिक्रीशन करती है, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें डिटेल में हमने देखा फ्रक्टोज को, सेमेंटल वेस्कल्स के अंदर आपको सेमेंटल प्लाज्मा में फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस किया। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पाया जाती थी, सिट्रिक एसिड और एसिड फास्फेटेज, बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया डिटेल में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, जो आपको पूछे जाते हैं नीट में और जिपमर्स में, एम्स में, इन सारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल हम क्या करें एग्जाम में बैठे तो हमको ऐसा लगता हो कि जो क्वेश्चन बनाने वाला हो ऐसा आपको महसूस हो, बड़ा आसान बना रखा हो। क्योंकि जब आपको बेटा सारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना तो पेपर बड़ा आसान लगता है। यदि आप स्टडी अच्छे से करके गए हो, प्रिपेयर होके गए हो, तो आपको चाहे जो भी पेपर हो, चाहे जिस एग्जाम्स का हो, वो बड़ा आपको आसान लगेगा। यदि आपको जानकारी नहीं है, स्टडी नहीं किए हुए, मेहनत नहीं किए हुए, पढ़े नहीं है, तो आपको सिंपल पेपर भी दे दिया जाएगा ना, तब भी आपको टफ लगेगा कि ये क्या मिल गया। तो एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, इतनी आसानी से आपको MBBS, एम्स, जिपमर ये सब क्वालिफाई नहीं होते। वही स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं बेटा जिसके पास बड़ी इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट होता है, जिनको पढ़ने का जुनून रहता है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी क्या होते हैं, वो जुनून है उनमें पढ़ने का, वो टैलेंट है उनमें, और वो मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक न एक दिन आप में से ही एक लोग क्या बेटा, जो भी लेक्चर देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। और आशा करता हूँ मेहनत आपको करनी है, मेरा जो फर्ज था मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमने प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, बल्बो यूथ्रा ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि जनरली आपको मेल क्या कहते हैं, मेल ह्यूमन मेल में आपको मैमेल्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूरेथ्रा के बारे में, यूरेथ्रा को डिटेल में बताया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और लास्ट में हमने क्या लिया था, पेनिस का, कि जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया ऑर्गन होता है या वो सेक्स कॉम्बिनेशन का क्या होता है, मेल का ऑर्गन होता है, जो आपको क्या होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ, तो ये सारे फंडामेंटल या फिर जो भी आपको दिए हुए थे वो सारे हमने डिस्कस किए। आज का जो लेक्चर्स होगा, मैंने वो लेक्चर्स बड़ा ना होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें से छूट गए थे बेटा, इस वजह से मैं छोटा सा आपको क्या हुआ ये लेक्चर्स आपको ले रहा हूँ, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैं 20 मिनट 15 मिनट जो भी इस पर चर्चा करूँगा वो पहले से लिखा हुआ हूँ, तो वो सारी डिटेल में हम आपको बता देंगे। तो आपका छूटा क्या था उस पर रिकॉर्ड करते हैं ना, डिस्कस करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सीमेन के बारे में। ठीक है, सिर्फ सिंगल सा आपको सीमेन बताएंगे बेटा, सीमेन है क्या। ठीक है, जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था पिछले लेक्चर्स में भी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा सीमेन क्या होता है, जनरली आपको दिखा हुआ क्या, 2 से 5 ml, 2 से 5 ml सीमेन, सॉरी हाँ सीमेन क्या होता है, 2 से 5 ml सीमेन रिलीज इन 1 ejaculation। मतलब कहने का ये है कि एक बार इजाकुलेशन होने में, इजाकुलेशन बता रखा हुआ, इजाकुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको जो सेमिन सीमेंस होता है वो टेस्टिस से क्या होता है बेटा, वो आपको इंटर करता है या बाहर आता है, निकलता है, निकल के आपको वेजाइनल ट्रैक में जाता है, क्या कहते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन के द्वारा, और उस एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं उस एक्टिविटीज को हम कहते हैं बेटा सीमेंस को आपको इंटर्स करना वेजाइनल में, कहाँ से आपको पेनिस से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन कहा जाता है।
तो एक बार इजैकुलेशन में आपको क्या होता है, जो सीमेंस होते हैं वो 2 से लेकर 5 ml क्या होते हैं, आपको क्या होता है, इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 5 ml जो हमने आपको यहाँ पे लिख रखा हुआ है, इसको हम हट जाएंगे अभी लेक्चर देने के बाद। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको क्या लगा कि जनरली सीमेन जो होता है वो एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन वेस्कस आपको क्या होता है, फ्लूइड होता है। वो सीमेन एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड लाइक पाया जाता है, और वो क्या लिखा हुआ हमने, एल्कलाइन वेस्कस फ्लूइड। वेस्कस का मतलब होता है गाढ़ा होता है थोड़ा, ठीक है, आपको एल्कलाइन होता है, गाढ़ा होता है, और आपको फ्लूइड लाइन होता है, और जिसका पीएच आपको क्या होता है सीमेंट का 7.5 आपको क्या होता है उसका पीएच होता है। क्लियर हो गया? तीसरे पॉइंट हमने डिस्कस किया था, तीसरे पे है 200 to 300 million स्पर्म इन वन इजैकुलेशन। यदि आपको कहा जाए कि कितने स्पर्म आपको काउंट किए गए, काउंट करके ही लिखा गया है बेटा, बुक्स में वगैरह में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में आगे चल कर दे रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको 200 to 300 million स्पर्म रिलीज्ड इन वन इजैकुलेशन। एक बार इजैकुलेशन में लगभग आपको क्या होता है, आपको 200 to 300 million स्पर्म आपको क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो तो एक बार इजैकुलेशन होता है तो उसमें आपको 200 to 300 million आपको क्या होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं उस सीमेन में। क्लियर हो गया? फिर अगले पॉइंट में हम आते हैं कि दूसरा लिखा हुआ है कि सीमेंस आएगा, एक्चुअली सीमेंस आएगा। तो सीमेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, कि हमने देखा था अभी क्या कहते हैं कि वो ग्लैंड देखी थी, एसेसरी ग्लैंड्स, तो हमने देखा था सीमेंस के मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स बनाता है वो बनाता है कौन, आपका एसेसरी डक्ट बनाते हैं, सॉरी एसेसरी ग्लैंड बनाते हैं। वो ग्लैंड्स के हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी ग्लैंड थी, तो आपको सेमिनल वैस्कुलर थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, एंड क्या थी आपको मिला था, बल्ब यूट्रिन ग्लैंड्स मिली। ये सारे सिक्रीशन मिलकर ही आपको क्या बनाते थे, सेमिनल प्लाज्मा। कल ही डिस्कस किया था सेमिनल प्लाज्मा के बारे में, सेमिनल प्लाज्मा जो बनाती है, ये तीनों ग्लैंड्स आपको सिक्रीशन करती है किसका, सेमिनल प्लाज्मा का, जिसमें हमने परसेंटेज भी आपको बता रखा हुआ था पहले से सेमिनल प्लाज्मा का, लेकिन यहाँ पे सीमेन का परसेंटेज भी आपको डिनोट करना होगा, ठीक है। वो जो कल का हमने परसेंट बताया था वो सेमिनल प्लाज्मा का परसेंट बता हुआ था कि आपको 60 to 75 या 65 to 75 आपको क्या होता है सेमिनल वैस्कुलर का मोस्ट ऑफ द रिलीज करता है, उसके द्वारा सेमिनल प्लाज्मा बना होता है। 15 to 30% आपको कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है, और कुछ परसेंट ही आपको बल्ब यूट्रस ग्लैंड के द्वारा बनता है, ठीक है, वो सारे, और बाकी सब आपको क्या रहती है, स्पर्म रहते हैं, सॉरी इस सेमिनल प्लाज्मा को रहता है स्पर्म। अब यहाँ पे आपको डिस्कस करना है क्या कि सेमन बड़ा किससे, सीमन किसे कहते हैं, व्हाट इज सीमन। तो सीमन को आपको डिफाइन कर सकते हो या सीमन बता सकते हो कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है एंड प्लस स्पर्म, सीमिनल प्लाज्मा एंड प्लस स्पर्म के काउंट को ही हम क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं, उसके फ्रूट्स को ही हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। अर्थात सीमन में आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक सेमिनल प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है उसमें, स्पर्म होता है। स्पर्म कहाँ पर बनता है, टेस्टिस से रिलीज किया जाता है बेटा, टेस्टिस में आपको बनता है, सेमिनल वेस्कल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बनता है, वो हम देखेंगे अभी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल को डिटेल में पढ़ा हुआ था ना कि आपको जर्मिनल एपिथेलियम थी उसमें दो प्रकार की सेल थी, याद है दो प्रकार की सेल कौन कौन सी, आपको मेल जर्म सेल्स जिसे हम क्या कहते थे, स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया कहते थे, और दूसरी सेल क्या बनती थी, सर्टोली सेल। तो एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, आपको ये लिख भेजना है कि बेटा सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा आज का क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है, और आपको हमने एक और बताया था इंटरटीशियल सेल्स, या फिर हमने बताया था आपको क्या, जिसे हम कहते हैं लिडिक सेल, और आपको वो क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के भेजना है कि लिडिक सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो दो चीजों का क्वेश्चन है, इससे पहले भी लेक्चर में एक क्वेश्चन और भी दिया, आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको करूंगा, जिसको हम सीमेन कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया, तो जिसमें हमने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके बताया था
कि कौन सा ऐसा होता है, जैसे क्या होते हैं फॉरेंसिक टेस्ट में, फॉरेंसिक स्टडी में आपको जो रेपिस्ट होते हैं बेटा, उस रेप उस फीमेल्स का, गर्ल्स का जो रेप हुआ है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो रेप हुआ, वो किसके टेस्ट से आपको क्या होते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं बता देते हैं या फिर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ ये इस गर्ल्स का रेप हुआ है। तो वो भी आपको कमेंट में लिख भेजिएगा, क्योंकि हमने कल ही आपको डिस्कस किया हुआ, क्लियर याद होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आप चलते हैं। अब ये सीमेंस के हमने इतने पॉइंट आपको बता रखे हैं, तीन चार पॉइंट आपको है वो याद रखे हैं, ठीक है। आते हैं दूसरे पॉइंट, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर नॉर्मली फर्टिलिटी। मेंटल में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, तो वो नॉर्मल फर्टिलिटी क्या होती है। नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब ये था, नॉर्मल व्यक्ति है यदि उसका नॉर्मल सीमेन कैसा होना चाहिए, कैसा स्पर्म काउंट होना चाहिए, सीमेन कितने परसेंट होना चाहिए कि वो व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो नॉर्मल फर्टिलिटी रखता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है वो आपको फर्टाइल है, अर्थात वो आपको क्या होता है बच्चे पैदा कर सकता है। तो उसमें कंडीशन ये रखा जाता है कि नॉर्मल फर्टिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, कैसे डॉक्टर्स उसको बताते हैं। तो कभी कभी देखा हुआ है ना कि आप जिस कपल्स को क्या होते हैं आपको बेबी नहीं पैदा होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो डॉक्टर से बात दिखाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, दोनों को टेस्ट करता है। दोनों का टेस्ट करने का मतलब ये है कि वो क्या टेस्ट करता है, सीमेंस को ही टेस्ट करता है, ठीक है। मेल के सीमेन को टेस्ट करता है, उसमें काउंट करके देखता है कि उसका स्पर्म कैसा हो सकता है, कितने परसेंट है स्पर्म, कितना मोर्टेलिटी है उसकी, कितनी मोर्टेलिटी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या करता है कि वो उसमें काउंट करता है, उसी काउंट करके वो बता देता है। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल फर्टिलिटी क्या होता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले पॉइंट हमने दिखा हुआ है कि आपको नॉर्मल फर्टिलिटी में कि पहला लिखा हुआ एट लीस्ट 60% नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली क्या होता है ये ध्यान रखिएगा बेटा, हमने क्या कहा है आपको, जनरली हमने कहा है कि लगभग एट लीस्ट 60% इस नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड। जनरली सीमेन में जो स्पर्म पाए जाते हैं, कोई जरूरी है कि सारे के सारे स्पर्म क्या होते हो आपको फर्टाइल होते हैं या फिर मोटिलिटी रखे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, इसमें कुछ स्पर्म उसमें रहते हैं बेटा जिसके तेल ही नहीं रहती है, वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। कुछ परसेंट में आपको क्या होते हैं क्या कहते हैं स्पर्म मोटिलिटी नहीं रख पाते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन मैक्सिमम आपको कह रहा है या मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ये ठीक है 60% नॉर्मल स्पर्म क्या होते हैं रिक्वायरमेंट, जो कि आपको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर है, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म का काउंट जो होता है 60% होना चाहिए। 60% अगर नॉर्मल स्पर्म है उसके सीमेन में तो वो फर्टाइल हो सकता है, वो फर्टाइल हो सकता है, वो बेबी क्या कहते हैं प्रेगनेंसी कर सकता है, ठीक। दूसरी पॉइंट आपको लिखा हुआ है एटलीस्ट 40% मस्ट हैव ब्रिगर मोर्टिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिखा है एटलीस्ट 40%। आपको देख हट जाओ कहने सर आपने लिखा हुआ, तो देखो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया हुआ कि आपको कह रहा है मोर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% नॉर्मल स्पर्म आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसकी, 60% रहना चाहिए। दूसरे पॉइंट हमने लिखा हुआ है एटलीस्ट 40% आपको मस्ट है विगर मोर्टिलिटी। विगर का मतलब विगरस मोर्टिलिटी का मतलब उसमें से 40% 60 में से भी आपको 40% या फिर 100% 40% जो होते हैं इस पर वो हाईली क्या होते हैं मोर्टिलिटी रहते हो। हाईली मोर्टिलिटी मतलब बहुत तेज गतिशील होते हैं। मोर्टिलिटी का मतलब होता है बेटा गतिमान। तो जिसके पास बहुत तेज गति करने की कैपेसिटी होती है उनमें से आपको 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति आपको क्या होता है नॉर्मल फर्टिलिटी शो करता है, क्लियर हो। तो ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, उस सीमेन में कंटेन क्या रहता है 60% आपको हमने लिखा था ना 60% सेमिनल वैस्कुलर सिक्रीशन होता है। उस सीमेन में आपको 60% सेमिनल वैस्कुलर का सिक्रीशन पाया जाता है, 30% प्रोस्टेट का सिक्रीशन पाया जाता है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ 10% उसमें सीमेन में आपको क्या पाया जाता है स्पर्म होता है, प्लस उसी में आपको वास डिफरेंस का सिक्रीशन होता है, और प्लस उसमें बल्बो यूथ्रा ग्लैंड्स का क्या होता है सिक्रीशन पाया जाता है। सिर्फ 10% में सारी चीजें रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कौन बनाता है सेमिनल वैस्कुलर बनाती है, और कौन बनाता है प्रोस्टेट, और सबसे ज्यादा कौन बनाता है सेमिनल वैस्कुलर बनाता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है,
आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमने क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ पे परसेंटेज, ये चीजें हमने पढ़ी है। वो आपको एंड में जिपमर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा, ये था सीमेंस का। एक पॉइंट और है, देखिएगा सीमेंस कैसा दिखता होगा। सीमेंस को आपको जनरली क्या दिखता है, आपको लिक्विड फॉर्म होता है, पहले हमने लिखा हुआ है, वो मिल्की टाइप का दिखता है। मिल्की मतलब व्हाइट टाइप का दिखता है, मिल्की दूध की तरह दिखता है, गाढ़ा रहता है। तो वो जो मिल्की क्या होता है, कलर होता है, मिल्की जो कलर होता है बेटा, अपियरेंस होता है, वो किसके वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, मिल्की अपीयरेंस ऑफ सीमेन इज ड्यू टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन वाले पार्ट से ही क्या होता है, वो मिल्की अपीयरेंस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है जो हमने डिस्कस किया हुआ प्रोस्टेट का सिक्रीशन, जैसे हमने सिट्रिक एसिड देखा था, क्या होता है, एसिड फास्फेटेज देखा था, फिर उसके बाद हमने एल्ब्यूमिन्स देखा था, ठीक है, बहुत सारे हमने सिक्रीशन, उनकी वजह से वो अपीयरेंस जो आता है, जनरली वो मिल्की अपीयरेंस आता है, ठीक है, जो एसिड फास्फेटेज होता है, ठीक, जनरली वो हमने देखा था बेटा। अब भाई हमने एक और पॉइंट देखा कि वो गाढ़ा होता है, वैस्कोसिटी अगर देखा जाए, गाढ़ापन जो होता है वो किसके सिक्रीशन से होता है, तो आप बताओगे वैस्कोसिटी इज ड्यू टू द सेमिनल सिक्रीशन। वो सेमिनल वैस्किन जो सिक्रीशन करती है, उसके सिक्रीशन से गाढ़ापन आता है, और उसमें सबसे ज्यादा आपको सेमिनल वैस्किन के सिक्रीशन में क्या पाया जाता है बेटा, तो आपको उन्होंने बता रखा हुआ है, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, इन सारे में भी लिखा हुआ था, तो फ्रक्टोज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रक्टोज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमने बता रखा हुआ था, कि ये फ्रक्टोज सिर्फ ह्यूमन बींग में ही आपको एक जगह पे पाया जाता है, जबकि एनिमल्स में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताओगे सीमेंट में पाया जाता है फ्रक्टोज, बाकी जगह नहीं, और उसी के लिए तो आपको हमने बता रखा वो उसका फ्रक्टोज इंपॉर्टेंस के बारे में कल लेक्चर में। अब अपनी पॉइंट आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट लिखा था कहीं जिपमर में, एंड में पूछ लिया गया है कि आपको बेटा सेमाइनल प्लाज्मिन, इसको रिमूव कर लें, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम रिमूव कर लें, सार हो गया होगा, तो रिमूव करते हैं। आपको बताया सेमिनल प्लाज्मिन, सेमिनल प्लाज्मिन, सेमिनल प्लाज्मिन क्या होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान सुनेगा कि सेमिनल प्लाज्मिन एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक का नाम, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मिन एक एंटीबायोटिक होती है, एंड इट इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम सीमेन। ये सबसे पहली बार कहां से डिस्कवर की गई थी, सीमेंस में डिस्कवर किया गया था, सीमेंस में डिस्कवर किया था, एंड इट डिस्ट्रॉयड वेजाइनल वेजाइनल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, इसका काम क्या रहता है कि सेमिनल प्लाज्मिन का, जनरली सेमिनल प्लाज्मिन आपको सीमेंस में पाया जाता है, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, पहली बार डिस्कवर किया गया था इसमें क्या कहते हैं सीमेंस में। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है कि जो वेजाइनल बैक्टीरिया होते हैं, जनरली वेजाइना में बैक्टीरिया वगैरह बेटा, एक वेजाइनल ट्रैक है, वो जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बता दूंगे, ठीक है। तो वेजाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं उसको वो क्या करते हैं, वेजाइनल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पा रहे हैं। ये अभी क्या होता है, डिस्कवर किया गया, और ये सर्टेन डिस्कवरी है जिसमें आपको मिला गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सेमिनल वैस्किस क्या होती है, ठीक है। अब पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यदि मेल में, ध्यान सुने, यदि मेल में क्या किया जाए, मेल विथ लेस देन 35 मिलियन पर ईएमएल स्पर्म काउंट, तो क्या हुआ, यदि किसी मेल में 35 मिलियन पर ईएमएल, एक ईएमएल पर ईएमएल पे लिखा हुआ है, यदि किसी मेल में क्या रहा है 35 मिलियन पर ईएमएल की बात कर रहा है, इस सीमेन की बात कर रहा है, ठीक है, पर ईएमएल सीमेन में 35 इससे कम आपको क्या होते हैं स्पर्म काउंट किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा उसमें नॉन फंक्शनल होते हैं, कुछ कुछ क्या डेड किए होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, स्टराइल कहलाते, स्टराइल अभी भी हमने देखा था,
एक बार में कितने मिलियंस आपको रिलीज किए जाते हैं जब, तो काउंट किया गया 1 मिलियन में आपको, यदि 35 मिलियन से कम आपको स्पर्म आपको क्या होता है एक यम्य सीमेन में पाया जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति आपको क्या होते हैं स्टराइल। स्टराइल का मतलब होता है बेटा नपुंसक होते हैं, अर्थात वो आपको क्या होते हैं बेबी को जन्म करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, या फर्टिलाइज करने का कंडीशन उनके स्पर्म क्या होता है नहीं पाया जाता, उस व्यक्ति को क्या माना जाता है नपुंसक माना। तो बहुत सारी सीमेन को टेस्ट करके वो क्या कहते हैं बतलाते हैं जो डॉक्टर होते हैं बेटा कि उनके काउंट किया जाते हैं सीमेन को काउंट करते हैं कैसे इस पर में सारी चीज़ें डिस्कस क्या कहते हैं स्टडी की जाती है, तब उनके क्या होता है बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो हो रही थी इस वजह से। तो ये हमने बताया 35। अगली पॉइंट लिखना है कि सीमेन जो होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं, सीमेन रिप्लेस इन 24 आवर्स, सीमेन जो होता है वो रिप्लेस किया जाता है, सीमेन रिप्लेस इन 24 आवर्स में सीमेन क्या होते हैं रिप्लेस किए जाते हैं, ठीक, जो सीमेन निकला हुआ है वो रिप्लेस किया जाता है। तो ये सीमेन वगैरह क्या होते हैं 24 आवर्स में आपको बेटा रिप्लेस किए जाते हैं, और सीमेन इजाकुलेटेड इमिडिएटली आफ्टर इजाकुलेशन। जो सीमेन होता है वो कॉगुलेट कर जाता है, अर्थात वो क्या होता है बेटा आपने देखा देख सकते कॉगुलेट का मतलब होता है गाढ़ा बनाना सूख जाना, तो इजाकुलेशन के बाद वो क्या करता है बहुत जल्दी से क्या करता है कॉगुलेट कर सकता है जम सकता है। तो इसलिए यदि इजाकुलेशन हुआ बाहर आपको स्पर्म आया वजाइनल ट्रैक्ट में नहीं गया तो स्पर्म बहुत जल्दी से क्या होता है जो सीमेन होता है वो बहुत जल्दी से क्या होता है कॉगुलेट कर जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारा हमने आपको डिस्कस किया आपको इस ट्रांसक्रिप्ट में जो आपके नीट के लिए एम्स के लिए जिपमर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा शायद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको डिस्कस करेंगे वो आपको है बेटा क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं समझेंगे क्योंकि अभी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पॉइंट छूटा हुआ है। आपको अगर कौन सा पॉइंट छूटा हुआ तो मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी स्पर्म का फॉर्मेशन हमने कम्प्लीटली नहीं बताया जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम गैमेटो वो पीछे दिया हुआ बेटा क्या कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात दिया हुआ स्टार्टिंग में, हम उसको क्या कहते हैं उसका आधा पार्ट आपको पहले समझ लेते हैं। तो कल का जो लेक्चर होगा वो गैमेटोजेनेसिस का होगा, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को हम समझेंगे और बहुत सारे इंटरेस्ट यम्स के ऊपर हम क्या करेंगे लगाएंगे और समझेंगे कि कितने क्वेश्चन उससे मिलते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड है उससे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे गए हैं जो आपको गैमेटोजेनेसिस से। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी डिटेल आगे की बताएंगे कंटिन्यूस करेंगे इसके बाद। तो बेटा मेहनत करते रहिए, आशा करता हूँ कि समझ में बिल्कुल आता होगा, और मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।